कि रिसेंटली रेमो डिसूजा ने एक ट्वीट किया था जहां उन्होंने अपने अंदर के दर्द को किया था बयां। उन्होंने एक रील डालते हुए बताया कि मैं बहुत नफरत करता था उन लोगों से जो मुझे कालिया बुलाते थे, कालू बुलाते थे, लेकिन एक दिन मेरी माँ ने मुझे बताया कि कलर की कोई बात नहीं है, तुम कैसे हो, कैसे दिखते हो, तुम कैसे चलते हो, जो मैटर करता है वो है आपका दिल, कि आप दिल से कितने साफ हो। और तभी से मैं गाना गाया क्या करता था कि भाई काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले हैं। और वाकई में ये बात है, देखिए इंडस्ट्री में इस वक्त जितने भी एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं जो डांस के बलबूते पर आगे गए हैं, चाहे वो धर्मेश हो, पुनीत हो, शक्ति हो, राघव हो, सलमान हो या और जितने भी आर्टिस्ट हैं, इन सबको ब्रेक देने वाले कोई और नहीं रेमो डिसूजा ही हैं। और रेमो डिसूजा ने लगभग जितने भी आर्टिस्ट हैं सबको एक्टर भी बनाया, ये बात हम कह सकते हैं। देखिए जब फर्स्ट टाइम ABCD मूवी आई थी तो उस वक्त इनको बस एज ए टीवी आर्टिस्ट जाना जाता था, जहां ये लोग डांस करते थे। एक टीवी आर्टिस्ट से एक बड़े पर्दे का एक्टर बनाने के लिए जो ब्रेक दिया सबको, वो रेमो डिसूजा थे, चाहे वो धर्मेश हो, चाहे वो राघव हो। और इन तीनों ने अपनी इंडिविजुअल मूवी भी कर रखी है। और पुनीत तो इस वक्त काफी ज्यादा एक्टिव भी हैं, कोरियोग्राफ कर रहे हैं, बहुत सारे सीरियल्स में काम कर रहे हैं और अपनी वेब सीरीज भी कर रहे हैं। राघव भी बहुत सारे शोज कर रहा है, प्लस बहुत सारी मूवीज भी कर रहा है। और राघव की आप डिटेल जानना चाहते हो तो चैनल पे चले जाना, बहुत सारी वीडियोस राघव से रिलेटेड ही पड़ी हैं। प्लस अब बात करते हैं उनके कद को लेकर, उनके कलर को लेकर, जैसे कि अरशद वारसी। अगर आप अरशद वारसी को जानते होंगे तो उन्होंने अपने बहुत सारे इंटरव्यू में बताया, जब मैं टीवी इंडस्ट्री में आया था तो काफी लोगों ने बोला था कि यार तू ना एक मेन स्ट्रीम हीरो नहीं बन पाएगा क्योंकि तेरे ना हाइट अच्छी नहीं है। अभी देख इंडस्ट्री में विनोद खन्ना है, इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन है, इंडस्ट्री में जितने भी एक्टर हैं लंबे लंबे एक्टर हैं, भाई तू एक्टर कैसे बनेगा। और आज आप देख सकते हैं अगर मूवी में दो एक्टर भी हैं तो चाहे सामने कोई भी हो, अरशद वारसी भाई अपनी एक्टिंग से सामने वाले को खा ही जाते हैं। अब रही बात दूसरी, आमिर खान, उनकी भी हाइट छोटी थी। तो बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो रंग के साफ नहीं थे। इरफान खान ने तो ये भी कहा, जब मैं इंडस्ट्री में बिगनिंग में गया तो लोगों ने कहा कि यार तू तो एक्टर बन नहीं सकता, तेरा चेहरा देख, तुझे काम कौन देगा। और दुनिया में ही शायद कोई ऐसा एक्टर नहीं होगा जो एज एन एक्टर इरफान खान साहब की इज्जत ना करता हो। तो रेमो डिसूजा की ये वीडियो उन लोगों के लिए थी जो बस लोगों में बुराई देखते रहते हैं, उनके कलर को देखकर, उनके कद को देखकर, लेकिन वो नहीं देखते तो उनके आचार विचार और उनका व्यवहार। आई होप आप रेमो के दीवाने इसी बात को लेकर होंगे कि यार ये आदमी दिल का बड़ा अच्छा है। और रेमो के अगर फैन है तो वीडियो को लाइक उन्हीं के लिए कर दीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब सारी नई खबरों के लिए। और मैं मिलता हूँ उसे बहुत जल्द, तब तक आप सभी को अलविदा।